सबसे निवेदन करूंगा, कभी भी मौका मिल जाए आपकी जिंदगी में और आप कभी किसी शिवालय के अंदर, किसी शंकर मंदिर में, किसी शिव मंदिर के अंदर आप जब जाएं, भगवान शंकर के मंदिर में आप जब प्रवेश करें, शिवालय के अंदर जब आप पहुंचे, आपके हाथ में जल का लोटा हो, पात्र हो ना हो, आपके हाथ में एक बेलपत्र हो ना हो, पर इतना जरूर याद रखना कि शंकर जी पे चढ़ी हुई अगर बेलपत्र भी आपको मिल जाए और आप उसको धोकर भगवान शंकर को समर्पित कर देते हो तो उतना ही फल मिलता है जितनी आप बेलपत्र को लेकर आए हो, शंकर जी को आपने समर्पित करा है, उतना ही फल शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र।